मैं कहानीकार हूँ। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, मैं कहानियाँ लिखता हूँ। तुम रोज यहाँ आते हो? हाँ, जब भी अक्सर अकेला होता हूँ। बोले कहानीकार कब से अकेले हैं? मतलब उसकी कहानियाँ तो हमेशा उसके साथ रहती हैं ना? खैर ये छोड़ो, तुम कैसी हो, कहाँ से आ रही हो? मैं कैसी हूँ? तुम नहीं जानते। आ गया शॉपर, तबीयत कैसी है तुम्हारी? डॉक्टर क्या बोली? हाँ सब ठीक है। एक कहानी सुनो। मेरा मेरे अलावा कोई दोस्त है भी या नहीं? श्लोक है ना मेरा रूममेट, काफी अच्छा इंसान है, कभी मिलवाऊंगा। खैर मेरा छोड़ो, तुम बताओ शशांक कैसा है, किसके साथ है वो? अब पता नहीं, और अब शायद फर्क भी नहीं पड़ता। एक कहानी सुनाओ। कहाँ रहते हो यार आजकल? डॉक्टर कह रही थी पिछले 3 अपॉइंटमेंट कैंसिल कर चुके हो, अब तो दवाइयां भी खत्म होने वाली होंगी। कोई समस्या है क्या? नहीं सब ठीक तो है। तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, चिंता हो रही थी उन्हें तुम्हारी, कह रही थी पिछले 1 हफ्ते से कॉल नहीं किया है और वो फोन कर रही, तुम उठाते भी नहीं हो। सुनो बे, तुमसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आजकल? चिंता होती है हमें तुम्हारी, कुछ बताते भी नहीं हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या करते हो? तो तुम रोज यहाँ आते हो? क्यों, किससे मिलने? श्रद्धा से मिलने। कौन श्रद्धा, कब से जानते हो उसे? जहाँ तक मुझे पता है अपने पूरे कॉलेज में श्रद्धा नाम की कोई लड़की नहीं है। एक लड़की श्रद्धा, आओ बैठो बताता हूँ। श्रद्धा सबसे पहले मुझसे मिलने यही बोट हाउस पर आई थी, उसे शशांक ने यही उसे मिलने बुलाया था। कौन शशांक? अपने क्लास में तो कोई शशांक नाम? हाँ पता है मुझे शशांक अपने कॉलेज का नहीं है, बट उसने यही उसे मिलने बुलाया था। फिर अचानक मुझे एक लेटर मिला, किसी लड़की ने भेजा था, उसमें लिखा था 5 बजे मुझसे मिलने बोट हाउस पर आ जाओ। मैं यहाँ आया और देखा तो कोई और नहीं पर श्रद्धा ही थी। उसने मुझे बताया शशांक से उसका ब्रेकअप हो गया है, वो उसे अब परेशान करता है, यहाँ तक कि मारने की धमकी भी देता है। वो मेरी अच्छी दोस्त है, एक्चुअली दोस्ती से बढ़कर है। पहले जब भी मिलना होता था वो मुझ तक लेटर पहुँचा देती थी और हम मिल लिया करते थे। अब मैं रोज यहाँ आता हूँ, वो भी यहाँ आती है बिना लेटर दिए। देखो मैं बस इतना कहूँगा, किसी भी प्रॉब्लम में मत पड़ना, गलती से किसी भी प्रॉब्लम में पड़ जाओ तो मुझे बता देना, ठीक है? अच्छा मैं चलता हूँ। आज क्या हुआ, क्या बोली तुम्हारी श्रद्धा? आज मिलने नहीं आई यार। तुमने कहा था कुछ लेटर मिलते थे, कहाँ है वो लेटर? हाँ यही पड़े होंगे, भी ऐसे संभाल तो नहीं रखा। तुमने किसी और को बताया क्या उसके बारे में? तुम्हें बताया था? नहीं ना, फिर किसी और को क्यों बताऊंगा? अच्छा ये लो तुम्हारी दवाइयाँ, डॉक्टर कह रही थी तुम्हारी दवाइयाँ खत्म हो गई। क्यों किया तुमने ऐसा, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? देखो शौर्य तुम गलत समझ रहे हो, श्रद्धा को अगर कुछ भी हुआ ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखो मुझे नहीं पता ना कि मैं कैसे समझाऊं, पर श्रद्धा श्रद्धा है ही नहीं, श्रद्धा नाम की किसी लड़की से तुम्हारे मिले? झूठ मत बोलो, सच सच बताओ,
मैं सच बोल रहा हूँ, श्रद्धा नाम की कोई लड़की से तुम्हारे साथ मिले ही नहीं, मुझे चिंता है तुम्हारा। श्रद्धा कभी सोचा उसके बारे में? तो किसी ने आज तक उसे देखा है क्या? जानते क्या उसके बारे में? उसका घर कहाँ रहती है वो, उसका कॉलेज, उसके नाम के अलावा कुछ और पता है तुम्हें उसके बारे में? उसे पूरा नाम भी नहीं पता, वो तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम है बस और कुछ नहीं। और वो लेटर्स, ये लेटर्स तुम्हारी कहानी के पेजेस हैं, जो कहानी तुम लिख रहे हो। देखो शौर्य, तुम्हारी मानसिकता ठीक नहीं है, तुमने डॉक्टर से मिलना बंद कर दिया, इस वजह से तुम्हारी कहानी के लोग तुम्हें ऐसी जिंदगी में दिखाई नहीं देते, तुम्हारे अलावा उन्हें कोई और सूर्य देख नहीं सकता। सॉरी, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे। मैं इतने दिन कहाँ थी, क्या कर रही थी, तुमसे मिलने क्यों नहीं आई? मुझे शशांक ने किडनैप करवाया था। सच तो यह है, शशांक का असली नाम शशांक नहीं है। उसके बारे में काफ़ी पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला शशांक एक्चुअली तुम्हारा दोस्त लोक ही है। वो मुझे मारना चाहता है। जब तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तब तक शायद उसे पता चल गया होगा कि मैं बच निकली हूँ। हो सकता है वो तुम्हारी हालत का फ़ायदा उठाए ताकि तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे शायद ही कोई जानता है। हो सकता है वो कोई झूठी कहानी बनाए, पर तुम उसकी बात मत मानना शौर्य। प्लीज़ बस एक बार आकर मुझे मिल लो, कल शाम ठीक 5 बजे मैं बोट हाउस पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तुम्हारी श्रद्धा। मैं कहानीकार हूँ, मैं कहानियाँ बनाता हूँ।